नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। मिर्जापुर वेब सीरीज के कारण मिर्जापुर की खराब होती छवि को लेकर मिर्जापुर के कई सामाजिक संगठनों ने नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को पत्र सौंपा है। मिर्जापुर दरी कारपेट मेडिकल एसोसिएशन, अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के महंत द्वारा अपने पत्रक में मिर्जापुर के चारित्रिक हनन जिले के नाम का दुष्प्रचार को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इन सभी संगठनों ने कहा है कि मिर्जापुर वेब सीरीज के कारण मिर्जापुर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। मिर्जापुर जनपद एक प्राचीन एवं अध्यात्म की नगरी है। मिर्जापुर साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जनपद है। मिर्जापुर वेब सीरीज में हिंसा, अपराध, गैंगवार आदि को प्रमुखता दी गई है, जिससे असल मिर्जापुर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बाहर के लोग मिर्जापुर वासियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। सीरीज के कारण युवाओं को गलत प्रेरणा भी मिल रही है, इसीलिए सभी संगठनों ने एक सुर में सीरीज को प्रतिबंधित करने की मांग नपाध्यक्ष से की है। इस मौके पर उपाध्यक्ष ने कहा है कि मिर्जापुर माता विंध्यवासिनी का धाम है, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन को पहुंचते हैं। इसके साथ चुनार का किला, ऐतिहासिक घंटाघर और पक्के घाट यहां की पहचान है, लेकिन वेब सीरीज द्वारा मिर्जापुर के बारे में गलत छवि को पेश किया जा रहा है, जिससे युवाओं और मिर्जापुर के बाहर के लोगों के मन में मिर्जापुर के प्रति गलत धारणा बन रही है। वेब सीरीज के निर्माताओं को अपनी सीरीज में दिखाना चाहिए कि असली मिर्जापुर ऐसा नहीं है, बल्कि इसे मनोरंजन के लिए दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों के मन में गलत धारणा न उत्पन्न हो। सामाजिक संगठनों द्वारा दिए गए पत्रक पर जो भी नियम अनुसार होगा वो प्रयास किया जाएगा। आज आप सब सरकार बंधुओं के माध्यम से हमारे पास नगर सेवक के नाते नगर के कई सामाजिक संगठनों ने पत्र देकर आप देख सकते हैं निवेदन किया है कि जिस प्रकार से मिर्जापुर वेब सीरीज के माध्यम से मिर्जापुर की छवि को बिगाड़ा गया है, वो मिर्जापुर के हित के लिए ठीक नहीं है। आज मिर्जापुर वेब सीरीज के माध्यम से जो हिंसा वाला मिर्जापुर दिखाया जाता है, वो कहीं लोगों के मन के अंदर एक धारणा बनती है कि मिर्जापुर क्या हिंसा वाला सा है। मैं आपके माध्यम से मिर्जापुर वेब सीरीज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मिर्जापुर की जो गलत तस्वीर हो उसको मनोरंजन के लिए दिखाइए, लेकिन उसको ये भी बताइए कि मिर्जापुर केवल मनोरंजन का पार्ट है। हकीकत में मिर्जापुर हमारा बहुत सुंदर है, पर्यटन की नगरी, माँ विंध्यवासिनी का धाम है। यहाँ पे सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह हमारे मिर्जापुर में नहीं। किसी भी एक प्रश्न ये था कि ये वेब सीरीज पहले तैयार हो चुका है और इन्होंने फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट ये रिलीज करने वाले हैं 5 जुलाई को। जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, कैन बी कोई लीगल नोटिस या कुछ ऐसा सोच रहा है? अगर ऐसा कुछ होगा, हम लोग बातचीत करके जो भी नियमानुसार होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के शहर कई सम्राट बुद्धिजीवी वर्ग ने निवेदन किया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे।